हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। वेल, ऐसा कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कभी भी पोस्ट करो तो सोच समझ कर पोस्ट करो, कहीं सामाजिक चीज़ों से गैर मुनासिब ना हो जाओ। जी हाँ, वेल यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया है। और सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है इस चीज़ पर कि जिस तरीके से विवेक ओबरॉय की ट्वीट कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐश्वर्या राय जल्द से जल्द एक इस चीज़ पर कोई ना कोई कमेंट करे या फिर कोई ना कोई स्टेटमेंट अपना रिलीज करे, या काफ़ी फैंस इस बात की भी डिमांड करे कि ऐश्वर्या राय को शायद इस चीज़ को लेकर विवेक ओबरॉय पर FIR फाइल कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, कब होगा हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, सलमान ने अपना रिएक्शन ज़रूर दिया था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इतना बिजी हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ें करूँ। वहीं पर अब बात की जा रही है बच्चन साहब की, यानी कि अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर पर यानी सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट किया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इनडायरेक्टली ही सही उन्होंने विवेक ओबरॉय का नाम लिए, बिना ही विवेक को समझा दिया है कि उन्हें इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पर, जिससे आगे चल के उन्हें ही दिक्कत आए। वेल, कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। अब ये नेगेटिव कॉन्ट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की गई है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था विवेक ओबरॉय की तरफ से, ये तो खैर विवेक ही जानते हैं। लेकिन हाँ, इस कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड आगे लगातार अपडेट्स मैं आपके पास लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ।